में हमें एक वर्टिब्रे मिली है, पता नहीं कौन से एनिमल की है, बट हाँ ये लाइव वर्टिब्रे हमें मिली है। ह्यूमन की तो डेफिनेटली नहीं है, ये किसी एनिमल की है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट इज डे टू ऑफ अवर ट्रिप। सो टुडे वी द कजन्स आर गोइंग टू द ट्रायन ट्रैकिंग। तो आज हम लोग निकलेंगे ट्रायन ट्रैकिंग के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी, आप देख सकते हैं मेरी आउटफिट अगर इट इज विजिबल। अब आपने मेरी आउटफिट तो देख ही ली है, तो बस अब हम रेडी हैं ट्रैकिंग के लिए। फटाफट से रेडी हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और हम निकलते हैं बेस कैंप के लिए, जहाँ से हमारे गाइड हमें ले चलेंगे और हमारी ट्रैकिंग हो जाएगी शुरू। आपको रखेंगे हम साथ साथ में, और ये काफ़ी ही फेमस ट्रैकिंग है, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा ट्रायन ट्रैकिंग, और मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे सनसेट्स और सनराइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं पूरी जर्नी के, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं रास्ते में और हो जाते हैं फटाफट से रेडी। बाय। अब हम पहुंचने वाले हैं भागसुनाग, जहां से हमारी ट्रैकिंग की जर्नी शुरू होने वाली है। जस्ट 2-3 kilometers और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे भागसुनाग और हमारी ट्रैकिंग वहां से शुरू हो जाएगी। भागसुनगर, अब यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। अभी हम लोगों की ट्रैक शुरू हो चुकी है मेन बेस कैंप से, और अभी हम हार्डली 5-10 minutes चढ़े हैं, और यहाँ की ब्यूटी काफ़ी अच्छी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, और अभी हमारी ट्रैकिंग बस बेस कैंप से स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको दिखाएंगे कैसा रास्ता है यहाँ का। तो गाइज अभी सिर्फ 10-20 minutes हुए हैं अप द हिल, वी आर नॉट टायर्ड बट हमारी सांस चढ़ चुकी है, और अभी हमें थोड़ी सी और स्टेयर्स क्लाइंब करनी है। गाइज यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक मिल गई, क्योंकि हमें वाटर सप्लाई नहीं होता यहाँ पे। कुछ भी तो गाइस वो वाटरफॉल का रोड है,
गाइस ये है रास्ता ऊपर ट्रैक को, मीट विस्की, इसका नाम विस्की है, हेलो विस्की। और वो वहाँ पे वाटरफॉल, वो हम डे टू पे कवर करेंगे। वहाँ पे लोग आप देख सकते हो नीचे जो वाटरफॉल के पास हैं। तो गाइस ये हैंडमेड स्टेयर्स टाइप के, जिसमें बहुत सारे स्टोन्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैकिंग पे आ रहे हो तो आपका स्पोर्ट शूज बहुत मस्ट है, अदरवाइज ट्रैकिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। आप ये देख सकते हैं स्टेयर्स। सो गाइज यहाँ पे ये एक शिवा कैफ़े है, काफ़ी फेमस, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूल भी है और एक बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे वाटरफॉल का व्यू है। तो गाइज ये शिवा कैफ़े यहाँ पे, और ये यहाँ पे शिव जी की फ़ोटो, और यहाँ पे अलग अलग लोग खाना खा रहे हैं। और ये यहाँ की डाइनिंग है नीचे बैठ के। और यहाँ पे मसाज थेरेपी भी मिलती है, और यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिवा कैफ़े में थोड़ा सा सिटिंग एरिया अंदर भी था, बट सिंस हमें अपना ट्रैक कंप्लीट करना था तो हमें यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। हमें सिर्फ 5-10 मिनट दिए गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें अपने कैंप तक पहुँचना था, टेंट्स तक पहुँचना था, और आज के ही दिन में ट्रेउंड टॉप तक भी पहुँचना था। वाटर आ रहा है, ठंडा पानी। अभी हम वहाँ से आए हैं और यहाँ पे वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लोग थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, हमने फोटोग्राफ्स खींची हैं। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, काफ़ी ऊपर चलना है, तो चलो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइज़ ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक होने वाला है, क्योंकि ये सारी स्टेयर्स हैं और कच्ची स्टेयर्स हैं, आप देख सकते हो, बट ऑनेस्टली बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज़ अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आवर हो गया चलते हुए, बट अभी तक का एक्सपीरियंस मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ ट्राई एंड ट्रैकिंग के लिए, काफ़ी अच्छा है और इतना टायरिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो मज़ा आता है। गाइस हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोगों को वहाँ जाना है। काफ़ी लंबे ट्रैक के बाद इट्स लाइक 40-45 मिनट्स, और फाइनली हम यहाँ पहुँच के रेस्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स ये था जंगल कैफ़े, जहाँ पे हमें 5-10 मिनट का ब्रेक दिया गया था, क्योंकि एक साथ इतनी लंबी चढ़ाई करना काफ़ी ही मुश्किल था।
हमारा रेस्ट पॉइंट है। काफ़ी देर चलने के बाद अभी हमें ये फाइनली मिल गया है। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करेंगे। मेरा फेस आप देख सकते हो कितना रेड हो गया है पसीने की वजह से। काफ़ी लंबा ट्रैक था लास्ट रेस्ट पॉइंट के बाद। अब बस वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर चलते हैं। चलो मिलते हैं आपको बाद में। हम निकल चुके अपने रेस्ट पॉइंट से, आगे की ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अब थक चुके हैं बट ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, तो आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी ट्रैकिंग और मिलते हैं आपको ट्रैकिंग के टाइम पे। सो गाइज, हम लोगों ने 10 o'clock स्टार्ट किया था एंड इट्स ऑलरेडी 12:30। हमने 3-4 स्टॉप्स ले लिए बट अब ऑलमोस्ट सारे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वी आर टायर्ड। तो चल रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हैं आगे कितने स्लो पेस पे बच्चे चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं। छुए थे बट यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी है, आप बैक में व्यू देख सकते हो, बहुत प्यारा व्यू है। हमें चलते 10 minutes हुए हैं और अभी एक और स्टॉप आ गया है, तो हम वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ट्रैकिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा है बट थोड़ा टायरिंग है, बट यहाँ पे काफ़ी कम समय पे आपको रेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा थकान नहीं होती है। बाकी ट्रैकिंग डिपेंड्स ऑन यू कि जिसका स्टेमिना ज़्यादा है वो इन्जॉय करेगा, जिसका स्टेमिना कम है वो ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। बट ओवरऑल जो माउंटेन ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो इट इज़ वर्थ इट। तो आपको बैक व्यू दिखाते हैं। ये यहाँ पे एक और स्टॉप आ गया, हमारा रेस्ट पॉइंट आ गया। ये बैक व्यू माउंटेन का और ये ट्रैकर्स आ रहे हैं अभी भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया था एक और रेस्टिंग पॉइंट जिसका नाम था मैगी पॉइंट। काफ़ी ही प्यारी सी जगह थी जहाँ पर हमारे और साथ ही साथ कई और कैंप्स के लोग रुके हुए थे, मैगी खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे और रेस्ट कर रहे थे। हम लोग अब पहुँच चुके हैं अपने टेंट पे। ये हमारा कैंप है, यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे और थोड़ी छोटी सी शॉप्स हैं और वो हमारे कैंप्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे पोनीज हैं थोड़ी सी और ये हमारा कैंपिंग एरिया है। और व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेंट्स का अरेंजमेंट। तो इसमें एक और कवर है इंसुलेशन के लिए और अंदर आप देख सकते हो 3 लोगों की बेडिंग है। गाइस बहुत ज़्यादा थक गया, अब हम करेंगे थोड़ी देर रेस्ट फिर जाएंगे हम ऊपर ट्रायन टॉप पे। सो गाइस, अब हम लोग रेस्ट करके ट्रायन टॉप पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, शायद वीडियो में भी आ रही होगी। और ये हमारा आप पीछे देख सकते हैं पूरा टेंट एरिया है, कैंपिंग एरिया, और वहाँ पे ट्रैकर्स अभी जा रहे हैं दूसरे कैंप पे। और यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दूर दूर कहीं घर हैं और पहाड़ है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोबेबली शायद बारिश होगी। आपको दूर का व्यू दिखा देते हैं। तो गाइज, ये टेंट एरिया कैंपिंग एरिया है पूरा और यहाँ पे हमारे टेंट्स हैं और ये हमारा टेंट है। ऊपर यहाँ पे फूड एरिया है और आप वेदर देख सकते हैं क्लाउडी हो गया है, तो शायद बारिश हो जाएगी। और ये यहाँ पे धर्मशाला और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये क्रिकेट ग्राउंड है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल हाउसेस हैं यहाँ पे शेफर्ड्स के, स्लेट्स वगैरह से बनाए। सो गाइस, अब हम लोगों ने ट्रायन टॉप के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी है अपने कैंप एरिया से। गाइड ने बताया कि ये 1.5 hours दूर है, तो सनसेट देखने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं।
उसके बाद रात होने से पहले हम जो बैकग्राउंड में देख सकते हैं बेस कैंप में आ जाएंगे वापस। तो चलो चलते हैं जल्दी। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं हम लोग और अब हम पहुंचने वाले हैं ट्रायन टॉप पे और आपको दिखाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अब वहाँ हमें टॉप पे जाना है, लोग ऊपर जा रहे हैं, उस माउंटेन को क्रॉस करना है और हमारी ट्रायन टॉप की कैंपिंग आ जाएगी। चलो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, चलते हैं, व्यू भी दिखाते हैं आपको। ये देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये सारे हमारे कैंप के लोग हैं, कई सारे कैंप्स मिक्स होके चल रहे हैं और ये यहाँ का बहुत प्यारा व्यू। में हमें एक वर्टिब्रे मिली है, पता नहीं कौन से एनिमल की है बट हाँ ये लाइव वर्टिब्रे हमें मिली है। ह्यूमन की तो डेफिनेटली नहीं है, ये किसी एनिमल की है। बाकी की जर्नी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अर्जिता व्लॉग्स।